नमस्कार गाइस, जय माता दी। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक खूबसूरत नज़ारों के बीच में, जहां पर है 200 साल पुरानी शिला जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाई है, और साथ ही साथ बीचों बीच जंगल में माता का मंदिर जो राजा बेन की पुत्रियों का मंदिर है, वहां पर ले चल रहे हैं आपको। लेकिन ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप मत कीजिए। आज मैंने एंट्री कर ली है फॉरेस्ट एरिया में, जंगली के क्षेत्र में, और यहाँ से हमारा होता है आज का लोग बहुत ही डेंजर लोग है। बने रहिए हमारे साथ और दिखा रहे हैं आपको एक नए नए व्यू यहाँ के, और हमारे साथ बने रहिए, पूरा लोग देखिएगा, सचमुच में बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आ गया हूँ फाइनली यहाँ पे, और आप देख पा रहे हो यह बिल्कुल जंगली क्षेत्र है। यहाँ पे रुकना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। और अब मैं यहाँ पे कुछ झील वगैरह है ले रहा हूँ ड्रोन से शूट, इसका देखता हूँ कैसा लगता है। ये है जंगल के बीचों बीच की नहर, जो कि मैं कर रहा हूँ इस टाइम ड्रोन से शूट, और नहर की खूबसूरती देखिए, झरने के पास आए व्यूज है। और अब मैं ऊपर कर रहा हूँ ड्रोन को और दिखा रहा हूँ पूरे जंगल का व्यूज। ये है हमारा जंगल, जो कि हजारों एकड़ में फैला हुआ जंगल है। ड्रोन को नीचे उतार रहा हूं। हम कर रहे हैं सफा अपने एक छोटे से जंगल में, और यहाँ पे कुछ नया सीन दिखाने जा रहे हैं आपको, जो भी नहीं बन रही थी यार। यहाँ से मैं चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने अपना निकल रहा हूँ यहाँ से। ट्रिप पर दूसरी जगह जाना है मुझको, जहाँ पर पहुँच रहा हूँ वहाँ पर सीन दिखा रहा हूँ आपको। अब जहाँ से गया था मैंने सोचा उसी रास्ते से वापस आना पड़ता। रास्ते से जा रहा हूँ, ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कच्चा रास्ता है, और मैं बाइक से चल रहा हूँ। टेढ़ रास्ते से चलने के बाद मुझे एक कैमरा पकड़ नहीं आ रहा है। और यहाँ से शुरू होता है जंगल का क्षेत्र, बिल्कुल जंगल ही जंगल है, चारों तरफ जंगल है और बहुत ही डेंजरस एरिया है यहाँ पे। और हमारे साथ चल रहे हैं हमारे एक बंदा जो गाइड है हमारा, तो वो आगे चल रहा है, मैं पीछे चल रहा हूँ, और साथ ही साथ हम दोनों लोग चल रहे हैं। और बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बिल्कुल आने जाने में बड़ा दिक्कत होती है इसी जगह पे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, लोग जंगल के किनारे रहते हैं और खेतों में फसल भी करते हैं जो जंगल में है। और ये हैं उन लोगों के घर जो कि जंगल में रहते हैं और अपने घर बना के रहते हैं। और हम पहुँचने वाले हैं उसी जगह पर जहाँ पर मुझे पहुँचना चाहिए था बिल्कुल। और ये हैं मतलब जंगल में लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए बहुत से, क्योंकि यहाँ पर मेला भी लगता है कभी कभी। और जो यहाँ पे लोग आप देख पा रहे हो जो झोपड़ी वगैरह पड़ी हुई हैं, ये सारी झोपड़ियों से गुजारा करते हैं टूरिस्ट लोग जो आते हैं, उन्हीं से उनका गुजारा होता है। और यहाँ पे सभी बाहर बाहर से लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं इस जगह पे, और अपने खाने पीने चीज़ें लेते हैं, इन्हीं से उनका गुजारा चलता है। और अब हम मिलने जा रहे हैं यहाँ के महात्मा जी से, जो यहाँ के महात्मा जी रहते हैं उनसे हम मिलने जा रहा हूँ अब, और बने रहिए हमारे साथ। और यहाँ की थोड़ी सी जो सीन है वीडियो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले आपके परमिशन मांगना है, ठीक है कि यहाँ की जो वीडियो है, अपनी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, हमारी जो वीडियो चलती है वो देश विदेशों चलती है हर जगह पर। तो सबसे पहले जो है आपकी हम इस परमिशन मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत आप हमारे बारे में थोड़ा सहयोग कर सकते, यहाँ के बारे में बताऊँता हूँ। अच्छा, बाल ये बालक है, तो मतलब ये बालक यहीं रहता है भैया, आप यहीं रहते हो क्या? अच्छा अच्छा, आप एक मिनट के इधर आ जा सकते हो? अच्छा अच्छा, चलो। तो आप यहीं के रहने वाले हो? अच्छा अच्छा, तो फिर घूम लिया है, फैलने वाला शॉट है, और अब हम चलते हैं घर पे। बहुत मतलब टाइम से घर से निकला हुआ था, काफ़ी धूप हो गई है। अब आपको एडिटिंग करके दिखा रहा हूँ आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारा ब्लॉग। अगर ब्लॉग सही लगा हो तो भाई, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस के लिए? ये बोलना चाहेंगे कि इतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में और आगे भेजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा क्या ब्लॉग रहता है,
और जो कमियां रहती हैं हम लोगों को बताइए, कमियां सुधारने की कोशिश करें, यही सब है। तो हमारे भाई ने कह दिया है कि जो भी कमी रहे तो बताना, प्लीज बताना जरूर कमेंट करके। ये रहा ड्रोन, वो ड्रोन तो मिनी ड्रोन है, क्या करें, मजबूरी है, गरीबी है, आप गरीबी हालत में एडवेंचर चलता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉग रहेगा, नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का बनाएंगे अपने लोग? एक मैंने सुना है काफी पुरानी एक इस तरह की एक शिला है जो कोई पढ़ नहीं पाता क्या है। अच्छा, वो हाँ वहाँ पे है एक, वो भी अपना स्थान ही है इलामा देवल। अच्छा, पे एक ऐसी शिला है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मगर आदमी पढ़ नहीं पाता है, मतलब लिखा हुआ है हिंदी में ही है मगर तब भी नहीं पढ़ पाता है। अच्छा, मतलब लिखा हुआ है पढ़ नहीं पाता। तो सर हम आपको दिखाएंगे उस वहाँ का ब्लॉग, जल्दी दिखाने वाला हूँ। ये आप देखिए, इंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब को कर लीजिए। और भाई मैं आपको बता दूं, कुछ बंदे हमारे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जो नए बंदे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे आप लोगों ने तो देख लिए, लेकिन दूसरा बंदा भी देखे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ उसको भी कुछ चीज़ें नई देखने को मिली हैं। अब हम चलते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।